News 18, India. जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति बंधन अधिनियम और उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य को नारी शक्ति के शौर्य को नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इंटरिम बजट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीर हरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं को देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बनकर के उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवीय के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता हुड़दंग शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा उनको शायद ही कोई याद करे। लेकिन अब ये बजट सत्र अवसर है, पश्चाताप का भी अवसर है, कुछ अच्छे फुटप्रिंट छोड़ने का भी अवसर है, तो मैं ऐसे सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए।
उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए, देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाभ सदन को दें और देश को भी उत्साह और उमंग से भर दें। मुझे विश्वास है आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है। साथियों, मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, सर्वसमावेशक विकास हो रहा है। ये यात्रा जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निरंतर बनी रहेगी। इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। जी हाँ प्रधानमंत्री। तो पीएम मोदी को आपने सुना, कई अहम बातें पीएम मोदी ने कही कि कल पूर्ण बजट पेश नहीं होगा क्योंकि चुनाव का समय है, पूर्ण बजट जब सरकार बन जाएगी उसके बाद पेश होगा। उन्होंने कहा कि पिछले सत्र में हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था और जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बजट पेश करेंगी, दरअसल ये नारी शक्ति का पर्व है। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सांसद विपक्ष पर हमला बोला, कहा कि कुछ सांसद ऐसे रहे जो हुड़दंग करते रहे और ये समय आत्मनिरीक्षण करने का भी है कि 10 सालों में उन्होंने ऐसा क्या किया। कुछ लोगों का स्वभाव ही हुड़दंग करना होता है, पीएम मोदी ने कहा। और ये भी कहा कि जो ये बजट सत्र है ये दरअसल पश्चाताप का अवसर है और कल जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनका मार्गदर्शन रहेगा क्योंकि उन्होंने नारी शक्ति की बात की। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ पर जो हमने नारी शक्ति देखी वो इस देश को आगे बढ़ा रही है और अब से कुछ दिन में सत्र की शुरुआत होने वाली है।